हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शर्वरी की शादी विकी नाम के लड़के के साथ हुई थी। शर्वरी बहुत ही फूडी किस्म की लड़की थी। उसे बाहर का खाना पीना बहुत पसंद था। ऐसे ही सुबह के 6 बजे शर्वरी को सोते हुए पेट में बहुत ऐठन महसूस होती है और वो बोलती है, हाय क्या हो रहा है, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है, नींद भी पूरी नहीं हुई, वॉशरूम में जाना पड़ेगा। शर्वरी उठकर वॉशरूम में चली जाती है। उसे आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो जाता है और वो बोलती है, हाय हाय क्या हो गया, आज उतर क्यों नहीं रही है मेरी, सुबह हो गई, विक्की जी का टिफिन भी बनाना है, हाय क्या हो रहा है, मैं फ्रेश भी नहीं हो पा रही हूँ और प्रेशर भी बना हुआ है, फोन ही ले आती, मैं यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही हूँ, कम से कम मेरा टाइम पास हो जाता, अब मैं क्या करूँ। अरे हाँ, हमारे बाथरूम में कितनी टाइल लगी होंगी, मैंने आज तक कभी गिना ही नहीं है, आज मैं चेक कर लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 35, 166, अरे वाह, हमारे बाथरूम में 166 टाइल लगी हुई है, वाह मुझे तो पता ही नहीं था, चलो इतनी देर बैठने का कोई तो फायदा हुआ और फाइनली मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। पूरे 1 घंटे बाद शर्वरी बाहर आती है और फ्रेश होकर विकी का ब्रेकफास्ट और टिफिन बना देती है। वो टिफिन पैक कर ही रही होती है कि उसके पेट में फिर से हलचल होती है और उसके वॉशरूम जाने का अलार्म बजता है और वो बोलती है, हाय क्या हो रहा है, फिर से मेरे पेट में वही झंझनाहट से हो रही है, टिफिन भी पैक करना है, पहले वॉशरूम ही चली जाती हूँ, अभी तो आधा घंटा है और मुझे जोर से लगी है, आकर पैक कर दूंगी। ये बोलकर शर्वरी पीठ पकड़कर वॉशरूम में फिर से जाकर बैठ जाती है। उसे 20 मिनट से ऊपर का समय हो जाता है और वो बोलती है, यार ये ब्रेक लगा लगा कर क्यों आ रही है, उनके ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और यहाँ मैं बाथरूम में बिजी हूँ, विक्की जी तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, अरे भाई आजा, एक काम करती हूँ गाना गा लेती हूँ, क्या पता गाना गाने से आ जाए, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। शर्वरी गाना गा ही रही होती है कि तभी उसकी सास कैटरीना दरवाजा खटखटाकर बोलती है, अरे अंदर कौन है, बहू तू है क्या, हाँ माँ जी मैं ही हूँ, अरे बहू बाहर आना जल्दी, माँ जी मुझे टाइम लगेगा, आप वेट करो थोड़ा, अरे बहू तू पागल है क्या, सुबह सुबह कितनी जोर की लगती है पता है ना, और बुढ़ापे में कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना, चल तू बाहर निकल, और धोती पकड़कर खड़ी नहीं रह सकती मैं अब। माँ जी मेरा पेट खाली नहीं हुआ है अभी तक, कितनी बार बोलूं कि अभी नहीं आ सकती, टाइम लगेगा मुझे। शर्वरी अपनी सास को बहुत देर तक खड़ा रखती है, इतने में उसका पति विक्की वहाँ आता है और वो अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ ये शर्वरी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है, आप खड़ी क्यों हो, अंदर चली जाओ। अरे तेरी धर्म पत्नी कब से अंदर बैठी हुई है, पता नहीं कितना खाकर बैठी है जो अब तक निकाल नहीं पाई। अरे माँ जी रेड लाइट हो रखी है और ट्रैफिक जाम है, हरी बत्ती होने का वेट कर रही हूँ मैं। अरे शर्वरी बहुत देर हो गई है, अब आ जाओ और मुझे टिफिन तो दे देती, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। विकी जी अभी मुझे टाइम लगेगा फ्रेश होने में, मैंने खाना बनाकर रखा हुआ है, आप माँ जी से टिफिन पैक करवा लीजिए। हे भगवान, माँ आपने सुन लिया है तो आप ही करके दे दो, वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ 10 मिनट। खुद से तो निकला नहीं जा रहा, मुझसे और काम करवा रही है, कैसे खड़ी हूँ मैं ही जानती हूँ, एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है। माँ क्या सोच रही हो, चलो ना। हाँ हाँ चल बेटा। कैटरीना अपने बेटे का टिफिन पैक करने के लिए आखिर में पेट पकड़ पकड़ कर रसोई तक जाती है और बेचारी प्रेशर के मारे रेंग रेंग कर उसका टिफिन पैक करके दे देती है। विक्की अपना टिफिन लेकर चला जाता है, तभी शर्वरी वॉशरूम से बाहर आकर बोलती है, रिलैक्स फील हो रहा है अब मुझे, बड़ा ही टाइम हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, अरे कब से बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पर, माँ जी को जाने के लिए कह देती हूँ, बेचारी बाहर कब से मेरा वेट कर रही है। शर्वरी जैसे ही अपनी सास कैटरीना को आवाज दे रही थी, तभी वो उसके पीछे से आ जाती है और बोलती है, क्यों री हो गई हल्की तू, करम जली नास पीटी कहीं की, कितना तड़पाया है तूने मुझे, सूद समेत बदला लूंगी इस बात का। माँ जी मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, अब मैं क्या करूँ, मेरा पेट खराब हो गया है। तो किसने कहा था इतना अटरम शटरम खाने के लिए,
बड़े मजे से बर्गर खा रही थी रात को। क्यों, निकला नहीं तेरा बर्गर इतनी देर से? खैर अब मैं अंदर जा रही हूँ। जी माँ जी। कैटरीना शर्वरी को सुनाकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद शर्वरी अपनी सास के साथ दोपहर का खाना खा लेती है, लेकिन उसके बाद वो पानी नहीं पीती। तभी कैटरीना बोलती है, अरे बहू, खाना खाकर पानी क्यों नहीं पी रही? मिर्च नहीं लग रही तुझे? सब्जी में इतनी मिर्च डालकर बनाई है तूने। नहीं माँ जी, ना मुझे मिर्च लग रही है ना प्यास, बल्कि पानी पीकर मुंह का चटपटा तीखा स्वाद चला जाएगा। पर पानी पीना बहुत जरूरी है बहू, पी लिया कर, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तू मिर्च मसाले इतना खाती है, ऊपर से बाहर की चीज, इसलिए तूने इतनी देर लगाई थी आज। ठीक है माँ जी, पी लिया पानी, देखिए। ठीक है। अगले दिन शर्वरी विक्की के साथ मॉल जाती है। वो विक्की के लिए टी शर्ट सिलेक्ट करके उसे दे देती है, लेकिन फिर उसके पेट में गड़बड़ महसूस होती है और उसकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। तभी विक्की बोलता है, अरे शर्वरी, मुझे ब्लू कलर की कोई टी शर्ट देना, ये वाली अच्छी नहीं है। अरे क्या हुआ, इतनी सड़ी शक्ल क्यों बना रखी है? ब्लू कलर अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं विक्की जी, वो बात नहीं है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पेट का अलार्म फिर से बजने लग गया है। ये बार बार क्यों हो रहा है? मुझे कैसे भी करके तुरंत यहाँ से निकलना होगा। शर्वरी, कुछ पूछ रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके ना? हाँ हाँ, सब ओके है, मुझे क्या होगा। अरे विक्की जी, मुझे ना वहाँ एक ड्रेस पसंद आई है, मैं जल्दी से वो देख कर आती हूँ और आप अपने लिए एक टी शर्ट देख लो। अरे मैं साथ में चलता हूँ ना। अरे नहीं नहीं विक्की जी, ऐसे खमखा टाइम खराब होगा और आप ले भी नहीं पाएंगे। मैं जाती हूँ ना, मैं देख कर आती हूँ, आप तब तक देखो मैं यूँ गई और यूँ आई। ठीक है। ये बोलकर शर्वरी वहाँ से सीधा वॉशरूम में जाती है और वहीं रहती है। वॉशरूम के बाहर भी दो तीन लड़कियाँ खड़े होकर बातें करती है। अरे मुझे 20 मिनट हो गए, कौन है अंदर जो अभी तक घुसा पड़ा है? एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई है क्या? हाँ इसमें कोई है, निकल ही नहीं रहा है, आधा घंटा तो मुझे हो गया है और कोई कह रहा है कि 1 घंटे से इसमें कोई है। ऐसे थोड़ी होता है, खटखटाना पड़ेगा, जब भी बाहर आएगा जो भी होगा इसमें। ये बोलकर वो दोनों लड़कियाँ दरवाजे को नॉक करने लगती है। उनकी आवाज़ें सुनकर परेशान होते हुए शर्वरी बोलती है, अरे मैं क्या करूँ, मैं तो खुद से परेशान हो गई हूँ यहाँ बैठे बैठे। ना तो मेरे ट्रैफिक की ग्रीन लाइट हो रही है, ऊपर से बस पीली बत्ती का साइन है, ना चीजें आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ओफो, मैं इस प्रॉब्लम का करूँ तो क्या करूँ? डॉक्टर के पास जाने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्या बोलूंगी डॉक्टर को कि मैं अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रही? नहीं 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 नहीं। कुछ देर बाद वो निकल ही जाती है, जहाँ वो लड़कियाँ उसे घूर रही होती है। और एक लड़की बोलती है, पता नहीं लोग इतना खाते ही क्यों हैं जब डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वही तो, उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो, इतना नहीं कि खाते रहो खाते रहो। सॉरी। शर्वरी आगे जाती ही है कि विक्की से टकराकर उसकी बाहों में गिर जाती है। तभी विक्की बोलता है, अरे शर्वरी तुम यहाँ, पता है कब से ढूंढ रहा हूँ, ड्रेस लेने नहीं गई थी ना तुम? सच बताओ मुझे। वो मैं कपड़े देखते देखते ना दूसरी जगह बिजी हो गई थी, मैं भूल ही गई कि आप मुझे ढूंढ रहे होंगे। चलो कुछ खा लेते हैं। विक्की जी खाने का मन नहीं है। थोड़ा खा लो ना मेरे साथ। दोनों रेस्टोरेंट में बर्गर खाने जाते हैं। विक्की बर्गर खाने के लिए सॉस बोतल से डालता है, लेकिन सॉस नहीं निकलती। उसे देखकर शर्वरी को इरिटेशन होती है और वो उसके हाथ से सॉस की बोतल लेकर जोर से बर्गर के ऊपर सारा सॉस निकाल देती है और बोलती है, अब आया ना मजा, निकल ही नहीं रहा था इतनी देर से। शर्वरी क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे क्यों करने लग गई? कुछ नहीं विक्की जी, बस ऐसे ही, आप खा लो। विक्की अपना बर्गर खाता है और उसे देखकर शर्वरी का भी मन करता है और वो लगातार 4 बर्गर खा जाती है। घर पहुंचकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। घर जाते ही शर्वरी वॉशरूम में घुस जाती है। कुछ देर तक तो वो अंदर रहती है, प्रेशर लगाने से उसे दर्द महसूस होता है, पर जैसे ही वो बाहर आती है तो वो चल तक नहीं पाती और पेट पकड़कर रोने लगती है। विक्की भी घबराकर बोलता है, शर्वरी शर्वरी अचानक से क्या हो गया? हाय विक्की जी, पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है, पेट में बहुत तेज तेज दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हाँ हाँ हम चलते हैं। माँ माँ जल्दी आइए, शर्वरी को हॉस्पिटल ले जाना है।
इतना बोलकर दोनों शर्वरी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहां डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं और बाहर आकर बोलते हैं, आप इतनी जल्दी क्यों लाए हैं और लेट ले आते? इनकी तबीयत हफ्ते भर से खराब चल रही है। इनको कब्ज की शिकायत थी। टाइम पर इलाज ना कराने से इनके पेट में सूजन पड़ गई है। ये कुछ नहीं खाएंगी, कुछ खाएंगी तो वोमिट भी कर सकती हैं। सूजन की वजह से कुछ दिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, इसीलिए लिक्विड चीजें ज्यादा पिलाइएगा। ये कल तक डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। अगले दिन विक्की उसे घर ले आता है। सास और पति दोनों उसका खूब ख्याल रखते हैं और कुछ ही दिनों में शर्वरी पहले की तरह ठीक हो जाती है। नरेश ऑफिस जाने के लिए अपनी फेवरेट शर्ट निकालते हुए अपनी पत्नी डिंपल को आवाज लगाकर बोलता है, डिंपल जरा मेरे कमरे में आना, मुझे कुछ जरूरी काम है। आ रही हूँ जी। डिंपल हाथ में करछी लेकर कमरे में आकर बोलती है, हाँ बोलिए क्या काम है? तुम्हारे लिए खाना ही बना रही थी। खाना छोड़ो, ये शर्ट प्रेस करो, मेरी फेवरेट शर्ट है ये। आज बॉस के साथ मीटिंग है, फुल इम्प्रेस करना है, मैं नहा के आता हूँ। हाँ हाँ कर देती हूँ, दो मुझे। डिंपल नरेश से शर्ट लेकर आयरन को ऑन करके शर्ट प्रेस कर ही रही होती है कि तभी रसोई से उसकी सास शकुंतला आवाज लगाकर बोलती है, अरे बहू ओपन होती, कहाँ है? सारी गैस फूक के ही मानेगी क्या आज? अब इनको क्या हो गया, मेरे परिवार वाले बिना मुझे जीने नहीं देते। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा मेरे हाथों में थमा देते हैं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर मुझे पनौती बोलते हैं। डिंपल जल्दबाजी में प्रेस को नरेश की शर्ट पर ही छोड़कर रसोई में चली जाती है, जहां शकुंतला अपनी बहू के आने पर बोलती है, मैडम जरा सब्जी का हाल देखो, जल के कोयला हो गई है। सब्जी तो बर्बाद की ही, साथ ही गैस फूकी वो अलग। सच में तुम मेरे बेटे के साथ साथ हमारे घर के लिए भी एक पनौती बनकर आई है। माँ जी मैं नरेश जी की शर्ट प्रेस कर रही थी, इसलिए ऐसा हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, बाकी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी दोबारा खाना बना देती हूँ। डिंपल दोबारा से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है, तभी नरेश नहा कर बाहर आता है और कमरे में धुआं सा होने पर वो देखता है कि उसकी फेवरेट शर्ट पर ऑन प्रेस रखी है। वो जल्दी से प्लग को ऑफ करके अपने दोनों हाथों से अपनी शर्ट का हाल देखते हुए बोलता है, डिंपल। नरेश का चिल्लाना सुनकर डिंपल रसोई में ही डर जाती है और इस बार गैस बंद करके दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोलती है, क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? नरेश जली हुई शर्ट में से उसको झांकते हुए बोलता है, तुम ना सच में एक पनौती ही हो, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। आज मेरी इतनी जरूरी मीटिंग के लिए मुझे ये पहननी थी, लेकिन तुमने तो कसम खाई हुई है कि मेरे हर काम में अपनी पनौती लगाकर ही मानोगी। मुझे माफ कर दीजिए, काम इतना ज्यादा होता है कि मेरा दिमाग बढ़ जाता है हर तरफ। एक तरफ आप चिल्ला रहे थे, एक तरफ माँ जी, जल्दबाजी में ये सब हो गया। अरे तो किसी दिन ये भी भूल जाओ ना कि तुम मेरी पत्नी हो, ताकि मुझे तुम जैसी पनौती बीवी से छुटकारा मिल जाए। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी, मेरे काम को बर्बाद करना तो कोई तुमसे सीखे। नरेश अपने गुस्से को ज्वालामुखी की तरह डिंपल पर उतार कर दूसरी शर्ट निकालने लगता है। बेचारे डिंपल आँखों में आंसू लिए रसोई में वापस जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर में जब नरेश तैयार होकर बाहर आता है और अपना लंच मांगते हुए बोलता है, लंच दोगी या नहीं? आप ना मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। वो क्या है ना कि मैंने खाना दोबारा बनाया है, पहले वाला जल गया था, सब्जी बन गई है, बस रोटी बना दो। रहने दो, मैं बाहर ही खा लूंगा, कुछ ठीक नहीं कर सकती तुम। नरेश बिना खाना लिए ही चला जाता है। ये देखकर शकुंतला बोलती है, पता नहीं कैसी पनौती बहू है, खाना तक दुर्भर किया हुआ है मेरे बेटे का इसने। बेचारी डिंपल सास और पति से सुबह सुबह बुरा भला सुनकर दुखी होती है, लेकिन कुछ देर बाद अब अपना खुराफाती दिमाग चलाते हुए वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, अब तक तो मैं अनजाने में पनौतियाँ लाती थी, लेकिन अब तो मैं जानबूझकर लेकर आऊंगी। नरेश जी आपको अपने दिन अपने मूड की पड़ी रहती है, और मेरा क्या,
मेरा जो इतना वक्त और मूड खराब होता है उसका कुछ नहीं। आपका दिन आज मैंने जहन्नुम ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी डिंपल नहीं। डिंपल अब अपना बदला लेने के मकसद से लंच पैक करके अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं नरेश जी के लिए लंच लेकर उनके ऑफिस जा रही हूँ, इसलिए आज आप अकेले ही खाना खा लेना। हाँ जा तो रही है, वहाँ जाकर कोई पनौती वाला काम मत करियो। आप इसकी चिंता ही मत करो माँ जी, आप बस खाना खा लेना। डिंपल नरेश के ऑफिस जाती है, जहाँ वो अपनी ऑफिस की कलीग रीमा और टीना के साथ बैठा हंसी ठिठोली कर रहा होता है। ये देखकर डिंपल बोलती है, अच्छा बच्चू घर पर तो तुम्हारा मूड खराब था, यहाँ आकर हंसी ठिठोली हो रही है, अब बताती हूँ। डिंपल नरेश के पास जाकर बोलती है, अरे पतिदेव आज आप खाना नहीं लेकर आए थे, तो मैं आपका खाना देने के लिए आपके कार्यस्थल पर ही आ गई, कृपा करके अब भोजन कर लीजिए। लो आ गई पनौती, अब तक तो घर में जीना दुश्वार कर रखा था, अब ऑफिस में भी टपक पड़ी। तुम यहाँ? मैंने कहा था ना कि मैं बाहर ही खा लूंगा, फिर क्यों आई? अरे नरेश ये कौन है, आज से पहले तो कभी नहीं देखा। ये वो, अब इनको बताना पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं बताती हूँ ना, मैं हूँ इनकी धर्मपत्नी डिंपल और ये शादीशुदा है। और वो क्या है ना, आज हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, जिसके कारण ये खाना घर पर भूल आए थे, तो मैं खाना लेकर खुद ही आ गई। वाओ कितनी रोमांटिक हो तुम। खिलाने की जरूरत नहीं है, रख के चली जाओ ना। अच्छा ठीक है, इसमें आपकी पसंद की बैंगन की सब्जी है, और हाँ अचार भी रखा है, साथ ही आपको खट्टा खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो इसमें एसिडिटी की गोली भी रखी है, टाइम पर खा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि खाना खाने के बाद आप बदबूदार गैस छोड़ते रहो। अच्छा अब मैं चलती हूँ। डिंपल की ये बात सुनकर नरेश की आंखें शर्म से झुक जाती है। अपने ऑफिस कलीग के सामने डिंपल तो उसके लिए पनौती का काम करके चली जाती है, लेकिन फिर ऑफिस की कोई भी लड़की उसके साथ पहले जैसे खुलकर बात नहीं करती। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ अब डिंपल सच में नरेश की जिंदगी में पनौती का काम करने लगती है। एक दिन नरेश के कुछ दोस्त घर आने वाले होते हैं, जिसके बारे में वो डिंपल को बताते हुए बोलता है, अरे सुनो पनौती, सॉरी डिंपल, वो कल मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, तो प्लीज ऑफिस में तो इज्जत का फालूदा कर ही चुकी हो, यहाँ पनौती मत बनना। हाँ मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है जैसे। अरे ऐसे कैसे पति देव, अब पनौती बीवी बोलते हो तो पनौती तो बनना ही पड़ेगा। डिंपल अगले दिन खाने की सारी तैयारी कर लेती है, और कुछ देर में नरेश के दोस्त अमन और गगन घर आते हैं, जिनके आने पर नरेश बोलता है, डिंपल सब आ गए हैं, जरा सबके लिए कुछ पीने को ला दो। जी ठीक है लाती हूँ, वैसे वही लाऊं ना जो आपके लिए लाती हूँ। हाँ हाँ ले भी आओ। अब डिंपल सबके लिए नींबू पानी बना कर ले आती है, जिसको देखकर अमन बोलता है, अरे भाभी ये क्या है, आपने तो नशा होने से पहले ही उतार दिया, मतलब ये नींबू पानी तो नशा उतारने के काम आता है। वो तो ठीक है देवर जी, लेकिन मैंने ये नरेश जी के लिए बनाया है, कल से इनका पेट खराब है, नींबू पानी हल्का रहेगा इनके लिए। ये क्या बोले जा रही हो तुम, और हर जगह मुंह खोलना जरूरी होता है, पनौती कहीं की। अरे इन लोगों से क्या छुपाना, ये तो आपके दोस्त है, और दोस्त तो घर वालों जैसे होते हैं, क्यों अमन और गगन? सही कहा आपने भाभी, वैसे कुछ और बातें भी बताओ ना नरेश के बारे में जो हमें पता ना हो। वैसे आपको पता है कि इनके ना हर कच्छे में छेद है, और वो भी एक ही जगह पर, साथ ही अपने कपड़े इधर उधर फेंकने में तो इतने माहिर है जैसे कि सचिन तेंदुलकर बॉल फेंकता है, और फिर अगले दिन ये चिल्ला चिल्ला कर पूछेंगे, डिंपल मेरा पीला वाला कच्छा कहाँ है, डिंपल मेरी लाल वाली शर्ट कहाँ है। अच्छा अच्छा और बताइए। डिंपल गगन और अमन के सामने नरेश के सारे राज खोल देती है, जिसके बाद नरेश उनके जाने के बाद डिंपल से बोलता है, ये क्या था डिंपल, अरे तुमने क्या कसम खाई है कि मेरी जिंदगी को झंड बना कर रहोगी, अरे आखिर मैंने किया क्या है, हर जगह पनौती बनकर मेरी इज्जत का कीमा बना देती हो।
क्या किया? आपको सच में नहीं पता कि आपने क्या किया है? अरे जब से मैं इस घर में शादी कर आई हूँ, आप और माँ जी मुझे पनौती पनौती बोलते हो। अरे मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? अरे अगर आप लोगों के काम समय पर पूरा करने की कोशिश में मुझसे जरा सी गलती क्या हो जाती है, आप लोगों से पनौती का नाम देते हैं। पनौती का मतलब जानते भी है क्या होता है? पनौती वो होती है जिसके आने से आपकी जिंदगी जीने लायक न बचे। बताइए क्या मैं ऐसी हूँ? मैं नहीं है ना कोई जवाब। अरे आपकी शर्ट प्रेस करते हुए गलती से जल गई, तो आपने पनौती बोल दिया, और शर्ट प्रेस करने के चक्कर में जो सब्जी जल गई, उसके चलते मुझे माँ जी ने पनौती बोल दिया। इसीलिए मैंने ये सब कुछ जान कर किया, ताकि आपको पता चले कि पनौती होती क्या है। जानबूझकर जिंदगी को झंड बनाना और बनते हुए काम बिगाड़ना, इसे कहते हैं पनौती। डिंपल की बातों से नरेश को एक बात तो अच्छे से समझ आती है कि पत्नी पनौती नहीं होती, लेकिन अगर उसको छेड़ा जाए तो उससे बड़ी पनौती कोई हो भी नहीं सकती। इसीलिए वो आगे की पनौतियों को रोकने के लिए बिना समय गवाए अपने दोनों घुटनों के बल बैठकर डिंपल से बोलता है, मुझे माफ कर दो डिंपल, मुझे आज पता चला कि तुमको कितनी तकलीफ होती थी। अरे बाहर वालों के सामने बेइज्जती होकर जब मुझे बुरा लग रहा है, तो तुमको तो घर में रहकर हमारी कड़वी बातें सहनी पड़ती थी। सच में तुम पनौती नहीं, वरदान हो मेरी जिंदगी में, मुझे माफ कर दो। सच बताओ, माफी दिल से मांग रहे हो या फिर एक दो दिन बाद फिर से वैसे ही बन जाओगे? सच्चे दिल से, और आज के बाद मैं कभी तुमको पनौती नहीं बोलूंगा, ना माँ को बोलने दूंगा, क्योंकि तुम पनौती नहीं वरदान हो मेरे लिए। नरेश को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, साथ ही वो जानता था कि आगे की जिंदगी को सरल बनाना है तो पत्नी को पत्नी ही बनाए रखो, क्योंकि अगर वो पनौती बन गई तो आपकी जिंदगी का सुख चैन छीनने में उसको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसीलिए पत्नी को पनौती मत बनने दीजिए, और उसको पत्नी बनाकर पत्नी वाला सम्मान दीजिए। अलीशा अपनी फ्रेंड शालू के साथ शॉपिंग करके लौट रही होती है। तेज गर्मी की वजह से दोनों को काफी पसीने आ रहे होते हैं, साथ ही दोनों बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी रोड के किनारे लगे एक बेंच पर बैठते हुए अलीशा कहती है, बस शालू इससे ज्यादा चली ना तो परी चली जाऊंगी। कसम से यार, इस गर्मी ने सितम ढा रखा है, इसकी वजह से थक तो गए हैं, ऊपर से गला और सूखे जा रहा है। हाँ यार, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। देख बैग में पानी की बोतल होगी, निकाल कर दियो जरा। कौन सी बोतल? अरे बोतल कौन सी होती है, ब्लू कलर की होगी, पानी रखा था मैंने उसमें। ब्लू कलर की प्लास्टिक वाली? वो तो मैंने मार्केट में ही फेंक दी थी, वो पानी धूप से गर्म हो गया था ना इसलिए। बड़ा महान काम किया बहन, अभी खुद तो प्यासी रहेगी, मुझे भी प्यासा मारेगी। बातें करते हुए दोनों की नज़र रोड के दूसरी तरफ खड़े सोडा पानी के ठेले पर जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती हुई देखकर उस सोडे वाले के पास चली जाती है, और अलीशा कहती है, भैया जी एक गिलास मस्त मसालेदार सोडा बनाना। ओ कंजूस, मैं तेरा झूठा नहीं पीने वाली, मेरे लिए भी एक गिलास बनवा। अरे हाँ भैया जी, एक मसाला सोडा और एक लाइम सोडा। हाँ बर्फ थोड़ी ज्यादा डालना, वो क्या है गर्मी बहुत है। हाँ हाँ, जैसे उन्हें पता ही नहीं है। अलीशा के कहने पर सोडा पानी वाला दो ग्लास सोडा तैयार करके उन दोनों के हाथ में पकड़ा देता है, और दोनों मजे लेकर एक सांस में सोडा गटक जाती है। तभी अलीशा बोलती है, आहा अब लगा कि गला तर हुआ है। इस चिलचिलाती गर्मी में प्यासे सूखे गले के लिए ये ठंडा सोडा किसी अमृत के समान लग रहा है। इसी बात पर भैया मेरे लिए एक और ग्लास बना दो। तेरी यही प्रॉब्लम है, जो मिल जाए पेट भरने तक खाती या पीती ही रहती है। अरे यार इतने दिनों बाद पी रही हूँ ना, बड़ा सुकून मिल रहा है। मुझे हमेशा से सोडा पीना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर मसाला सोडा, क्या चटपटा स्वाद होता है। ठीक है अभी जल्दी से पी और घर चल, वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं। हाँ हाँ चल रही हूँ, पीने तो दे। तभी अलीशा दो तीन ग्लास सोडा और पी जाती है, जिसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है, और उस दिन के बाद से अलीशा सोडे की दीवानी हो जाती है। एक दिन घर आते हुए अलीशा दुकान से एक सोडे की बोतल लेकर आती है, और किचन से ग्लास नींबू चीनी लाकर हॉल में मसाला सोडा बनाने बैठ जाती है। तभी रेवती बाहर से थकी हारी आती है, और आते ही
सोडे की बोतल को उठाकर पीने लगती है और एकदम से थूकते हुए बोलती है, आए हाय जे का पिला लियो, और यो पानी कैसा बेस्वाद सा लग रहा है, इसमें खारो पानी भर दियो का तूने। ओहो माँ, वो सोडा है जिसे आप पानी समझकर पी गई। सोडा जे कौन सा नया पानी है गो जिसमें कोनो स्वाद ना है। अरे ऐसे पियोगी तो क्या स्वाद आएगा इसमें, इसको नींबू चीनी मसाले के साथ मिलाऊंगी तब ना स्वाद आएगा। अच्छा वैसे ये सोडा शब्द कहीं सुनो सुनो लग रहे हो, एक मिनट, कहीं ये वही सोडा तो ना है जो नशेड़ी लोग मिलाकर पीते हैं। अरे वाह, मतलब आपको पता है। वाह की बच्ची, तुझे पीने को यही मिलो क्या रे, अरे इसकी जगह शरबत जलजीरा या शिकंजी ना पी ले। अरे माँ, मैं कौन सा इसे ड्रिंक में मिलाकर पी रही हूँ, जब समझती हो गलत ही समझती हो। हाय राम, आजकल के बच्चे ना जाने का पीनो लगे हैं। मेरे तो गलती से मुंह में चली गई तो पता चलो कि ये पानी सा दिखने वाला सोडा होतो है। हाय हाय, मुंह का स्वाद बिगड़ गयो। इतना कहकर वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन पैदल चलते हुए अलीशा कॉलेज जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है जो की कुछ दूरी पर खड़े नींबू पानी वाले आदमी की थी, जो आवाज लगाते हुए बोलता है, ये ठंडा ताजा चुस्की वाला खट्टा सोडा, क्योंकि यही देगा चिलचिलाती गर्मी से राहत। आओ पियो ठंडा चुस्की सोडा। चुस्की वाला खट्टा सोडा, ये सोडे का कौन सा नया आइटम है जिसका नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। अब इतना क्या सोचना, पी कर ही देख लेती हूँ। इतना कहकर वो नींबू पानी वाले के पास जाती है और उसे देखकर वो आदमी बोलता है, हाँ मैडम बोलो क्या चाहिए, नींबू पानी मसाला सोडा शिकंजी जलजीरा नींबू सोडा बोलिए। इन सब में से कुछ नहीं, वो अभी जो आप चिल्लाकर कह रहे थे ना चुस्की वाला खट्टा सोडा, बस वही बना कर दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना कर देता हूँ। ये बताइए खट्टा ज्यादा डालोगे कम? ज्यादा, क्योंकि वो ना मुझे खट्टे से कोई परहेज नहीं है। तभी वो आदमी कंचे की बोतल को खोलकर सोडा बनाने लगता है और कुछ देर में बनाकर एक ग्लास भरकर अलीशा के हाथ में पकड़ा देता है। वो ग्लास से सोडे का पानी पीने ही वाली होती है तभी सामने से फोन पर बातें करते आ रहा लड़का मोहित उससे टकरा जाता है और वो सारा सोडा दोनों के कपड़ों पर गिर जाता है, जिससे गुस्से में आकर अलीशा बोलती है, अरे ये रोड है तुम्हारे पापा जी का बगीचा नहीं जहाँ टहलने निकले हो, तुम कैसे चल रहे हो, कोई होश भी है कि नहीं? ओ हेलो, इतना क्या भड़क रही हो, एक तो पता नहीं क्या गिराकर मेरी पूरी शर्ट गीली कर दी, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रही हो। ओ ये क्या नहीं, मेरा चुस्की वाला खट्टा सोडा था जिसे पीने से पहले ही तुमने गिराकर इसका और मेरे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। यार एक गिलास सोडे के लिए इतना क्यों चिल्ला रही हो, मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं किया। जानबूझकर किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस गिरे हुए सोडे के पैसे तुम दोगे, साथ ही यही सोडा फिर से बना कर दो मुझे, वरना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। यार ये क्या अजीब लड़की है, मतलब अजीब के साथ गरीब भी लग रही है, तभी अपने सोडे के पैसे मुझसे भरवा रही है। ठीक है भैया, दीजिए इनका वो चुस्की सोडा। चुस्की वाला खट्टा सोडा? हाँ हाँ वही बना कर दो भैया। तभी वो आदमी फिर से सोडा बना कर अलीशा को देता है, अलीशा उसे पीने लगती है और मोहित उसे देख रहा होता है। तभी सोडा पीते पीते वो थोड़ा सोडा ग्लास में ही छोड़ देती है और ग्लास मोहित को पकड़ा देती है। ये देखकर मोहित बोलता है, अब ये प्रसाद की तरह इतना सोडा किसके लिए छोड़ा है, इसे भी पी जाती? तुम्हारे लिए। क्या ज्यादा खुश मत हो, वो नीचे सारा मसाला जमा हो जाता है ना, तो इसलिए छोड़ दिया। पैसे दे देना मैं चलती हूँ, और हाँ अगली बार ऐसे किसी से भी मत टकरा जाना। इतना कहकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। मोहित उसे मुस्कुरा कर देखता रहता है और उसका छोड़ा हुआ सोडा पी लेता है। समय बीतता है और एक बार इत्तेफाक से फिर दोनों मिल जाते हैं, जहां उनकी काफी बातें होती है। दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती है। एक दिन मोहित अपने बाइक पर अलीशा को उसके घर ड्रॉप करता है। उसकी बाइक से उतरकर अलीशा बोलती है, अब यहाँ तक आए हो तो घर भी चलो, मैं तुम्हें सोडा पिलाती हूँ। सिर्फ सोडा या ड्रिंक करने का भी कोई इंतजाम है? अरे मेरे हाथों का बना मस्त सोडा पियोगे ना तो ड्रिंक करना भी भूल जाओगे। अरे पर तुम्हारी माँ मुझे ऐसे अचानक देखकर कुछ कहेंगी नहीं? अरे तुम मेरे दोस्त हो, जब मैं तुम्हें अपने घर ले जाने से नहीं डर रही तो तुम क्यों जाने से डर रहे हो? हाँ ये भी सही है, चलो
जिसके बाद दोनों अंदर आते हैं। अलीशा अपनी माँ से मोहित को मिलवाती है और सोडा पीते हुए दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर मोहित वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दोनों जब भी मिलते तो सोडा जरूर पिया करते। धीरे धीरे मोहित को अलीशा से प्यार हो जाता है। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उनके अलावा कोई नहीं होता। ये देखकर अलीशा बोलती है, लगता है रेस्टोरेंट के बंद होने का समय हो गया। देखो ना मोहित, कोई भी नहीं है यहाँ हमारे सिवा। जब हम दोनों साथ हैं तो तुम्हें कोई और क्यों चाहिए? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे तुम बताओ, क्या बताने वाले थे मुझे जो फोन पर नहीं कह पाए? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पहले बैठो तो सही। दोनों एक टेबल पर बैठते हैं, तभी वेटर उनके लिए दो ग्लास सोडा लेकर आता है, जिसे देखकर अलीशा खुश होकर बोलती है, सोडा? अरे क्या बात है, रेस्टोरेंट में सोडा? बिल्कुल, अब तुम्हारे साथ सोडा पी पी कर मैं भी सोडा बनाना सीख गया हूँ। ये मेरा बनाया जीरा सोडा है, पीकर देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी अलीशा वो जीरा सोडा पीने लगती है और पूरा ग्लास खत्म करने के बाद उसी ग्लास में एक रिंग दिखाई देती है और वो कहती है, मोहित ये क्या है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अलीशा, इस बात को तुमसे कैसे कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे तुम्हारे पसंदीदा सोडे का ख्याल आया और मैंने ये तरीका अपनाया। तो कहो, क्या तुम्हें मेरा इजहारे सोडा पसंद आया? तुम्हारा ये इजहारे सोडा तो मेरे दिल को छू गया। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मोहित। ये बात सुनकर मोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो ग्लास से रिंग निकालकर अलीशा को पहना देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।